हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, और ये हम एंगल ले लें थीटा। जी सर, फर्स्ट आंसर कहाँ रह गए? जल्दी से आ जाओ दौड़ के, वरना पिटाई मेरी होगी। आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएं बेटे, तो लेफ्ट साइड में हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, यस और नो? यस सर। और ये ऊपर वाला तो वर्टिकल तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वाई फर्स्ट इधर ऊपर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस को हम अभी भी लेते हैं। तो जरा मुझे बताओ पी बाई एच क्या होगा? पॉजिटिव। पी बाई एच, सब बच्चे, पी बाई एच हो जाएगा पॉजिटिव, है ना भाई? तो लेकिन बी बाई एच बताओ क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और पी बाई बी बताओ क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सिर्फ हमारे पास पी बाई एच यानी कि साइन पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर पी बाई एच पॉजिटिव है बेटे, तो एच बाई पी भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। ये काम आएगा, बहुत ध्यान रखना, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। अब हम पहुंच जाए थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों देखो क्या कह रही मम्मी, आवाज दे रही, देख। अच्छा अच्छा जी, अच्छा भाई, सब अलेक्सा को बुला लो, ये ड्रामा हुआ करेंगे अलेक्सा, अलेक्सा। अब हमें बताओ अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो नीचे हमारे पास ये भी नेगेटिव हो गया बेटे, और एक्स भी हमारा नेगेटिव है, तो बताओ पी बाई एच क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बी बाई एच क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन पी बाई बी क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ भाई, पी बाई बी बेटे माइनस माइनस प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। इधर आ जाओ जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थीटा हो गया, तो ये तो नीचे नेगेटिव होगा वाई तो, लेकिन हमारा एक्स पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्या होगा? पी बाई एच। हाँ भाई, पी बाई एच नेगेटिव, पी हमारा ये है माइनस के साथ नेगेटिव, ठीक है, लेकिन b by h क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और p by b क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब cos पॉजिटिव है b by h, और cos के साथ sec। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से आप सब बच्चे, ये हमारे पास है, इसको याद रखना है, all sin tan cos, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all रेशियो, सेकंड में sin। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह मियां माफ कर दें भाई। साइन टेन कॉस, मैं इसको कैसे याद रखवाता हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज है जी, इंशाल्लाह आप बच्चे सब स्कूल में हैं, इंशाल्लाह फिर कॉलेज में जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करे प्रोफेशनल कॉलेज में जाए हमें, बढ़िया सी डिग्री करनी। तो ये हमारे पास है, तो ऑल साइन टेन कॉस, समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ जी। अब इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज यहाँ होगा, जो आपने बचपन में पढ़ा है। बचपन में क्या पढ़ा है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, अदर रिश्व निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन आपसे क्या कह देगा? बाबा आपसे कहेगा थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू आपने टेंथ में भी किया है, लेकिन वहां हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं था, सब आप पॉजिटिव लेते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ मतलब है कि अगर साइन थीटा हाफ है तो कॉस थीटा और टेन थीटा निकालिए, ठीक है बेटे? प्लीज ध्यान से रखिए, यहाँ पी बाई एच से नहीं करेंगे, इससे बचिएगा, कर तो सकते हैं लेकिन बचिएगा इससे, तो यहाँ करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अगर वन बाई टू है तो cos थीटा हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं बेटे, तो cos थीटा मेरा हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, यस और नो? यस सर। तो अब सीधा sin थीटा की वैल्यू रख दीजिए, प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर sin थीटा 1 बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर 1 बाई 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 4 क्या होगा भाई? 4 बन जा 4 माइनस 1 3 बाई 4 कितना हो जाएगा? 3 बाई 4, तो 3 का अंडर रूट तो 3 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो cos थीटा कितना आया बेटे?
root 3 by 2। अब आपको सोचना है क्योंकि यहाँ प्लस भी लिखा हुआ है माइनस भी लिखा हुआ है, तो मुझे लेना है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सर माइनस, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होगा दीवा? माइनस। माइनस तो बेटे कॉस थीटा आ गया माइनस रूट थ्री बाई टू। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर आ गया। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर हमारे पास साइन दिया हुआ है बेटे और हमारे पास कॉस दिया हुआ है बेटे, तो हमें कुछ नहीं निकालना, टेन इसी से आ जाएगा। तो टेन होता है साइन बाई कॉस। टेन क्या होता है भाई? साइन बाई कॉस। तो बताओ वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री। और यहाँ पे अपने आप देखो टेन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने वैल्यूज से वैल्यू निकाली है, तो साइन की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे भी पता है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। यस और नो? यस। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ सेकंड एक्सरसाइज का सब बच्चे। अब सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन है, पहले पांच क्वेश्चन इसी पे हैं जो मैंने पढ़ाया। तो इस तरह से आपकी इंशाल्लाह दो दो तीन तीन एक्सरसाइज हो जाएंगी, एक एक दो दो एक्सरसाइज आपका सिलेबस हो जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा सा रोज मैं कहता हूँ जितना पढ़ा है उतना बस आधे घंटे में रिवाइज कर डालना, और आधे घंटे से ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। देखो सब बच्चे ये पांच क्वेश्चन आप अब इंशाल्लाह आराम से कर सकते हो, तो दो एक्सरसाइज आज आप कर लें काम चल जाएगा। जल्दी बताओ मुझे ये करके, कोई सा एक क्वेश्चन, हर बच्चा एक क्वेश्चन ट्राई करो बस जल्दी से, कोई सा भी एक क्वेश्चन जल्दी करो।